अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है आलू पालक। ठीक है, उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है, मैंने 3 पाव पालक ली है और 1 पाव मेथी, और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं, ये मैंने आपने ड्राई और अच्छी पालक लेनी है, गीली गीली मत लीजिएगा। और मेथी जो है मैंने नॉर्मल साइज़ के लिए, छोटी वाली बहुत अच्छी होती है वो नहीं थी तो ये लिए। 3 आलू लिए हैं मैंने, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, और ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड होता तो समझ लेंगे 1/2 कप से भी कम ही है। 2 हरी मिर्चें हैं, और मसालों में जो है ये धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, और 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और 1 टीस्पून गरम मसाला। ओके, ये टोटल इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं पालक आलू के लिए, ये आप देख सकते हैं जी। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले जो है पालक को इस तरह से कट कर लेना है, पतला पतला, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं कीजिएगा क्योंकि आगे मैं इसको ब्लेंड करूँगी। तो आपने इसको इस बड़े से पतीले में डाल के इसको अच्छी तरह वॉश करना है, 2-3 पानी से वॉश करके इसकी मिट्टी वगैरह निकालने के बाद आपने फिर जो है इसको स्ट्रेन करके फिर आप इसी पैन में वापसी उसी पतीले में डालकर, और जो इसका खुद का पानी होगा ना आपने उसी में इसको बॉईल करना है, अलग से पानी ऐड नहीं करना क्योंकि पालक अपना पानी खुद ब खुद छोड़ेगी, तो आपने उसी पानी के अंदर करना है। और साथ साथ मैंने मेथी भी जो है वो मोटी मोटी कट कर ली है, और ये देख सकते हैं आप, देखिए इसी का पानी है, मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया। जब हम वॉश करेंगे तो वो थोड़ा बहुत इसमें रह जाता है। 3-4 पानी आपने वॉश करना है और इसको बॉयल करना है। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं ऑयल, समझिए 4-5 टेबल स्पून ऑयल होगा टोटल। ठीक है, और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, मैंने इसको कट कर दिया। आपने इसको सॉटे करना है अच्छे से ऑयल के अंदर, ऑयल सब्ज़ियों में कम जो आता है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मुनासिब तेल डालिएगा। ये आप देख सकते हैं जब मेरे प्याज ने कलर चेंज कर लिया तो मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया। सफ़ेद ज़ीरा जो है 1 टीस्पून है, ठीक है जी, और धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के है, 1 टीस्पून, ठीक है ना। आप ये देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से सॉटे कर लेना है। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस आपने हल्का उसका कलर चेंज करना है। अब साथ ही साथ हम इसमें अदरक लहसुन ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन है। आपने इसको अच्छे से भूनना है, अदरक लहसुन को आपने अच्छे से भूनना होता है, प्रॉपर इसकी खुशबू उठनी चाहिए क्योंकि ये बड़ा मैटर करता है। ठीक है, आपने इसको अच्छे से भून लिया, आपको अच्छी इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू उठने लग गई है, तो आपने इसके बाद बाकी चीज़ें आपने स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे जो रह गए हमारे, हल्दी, नमक, पिसी मिर्च नहीं सॉरी कश्मीरी लाल मिर्च है, और कुटी हुई मिर्च है, और ये हरी मिर्च हमने छोटी छोटी कट करनी है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, मुनासिब है। और आपने इसी स्टेज पे इसको ऐड करना है और अच्छा बड़ा फ्लेवर आ जाता है। ठीक है, अब आपने इसको अच्छे से भूनना है, और उसके बाद आपने टोमेटोज को जो है, जो आपके टमाटर है, मैंने उसको ब्लेंड कर लिया था प्यूरी की तरह बना के, मैंने इसको इसमें ऐड किया। और आपने इसको मसालों के साथ अच्छे से भूनना है, जब अपना इसको, जब ये टमाटर अपना ऑयल छोड़ेंगे तो उसके बाद हम बाकी प्रोसेस करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से भूना है 5-7 मिनट, और ये जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर मेथी ऐड करेंगे। पालक क्योंकि हमारी बॉयल हो रही थी तो वो जब बॉयल होने में काफ़ी हद तक बन जाती है, तो पहले हम मेथी ही ऐड करेंगे। हमें मेथी को इस मसालों और टमाटर में अच्छे से भूनना है, और ये देख सकते हैं आप 5-7 मिनट मैंने इसको इसके साथ अच्छे से भूना है। उसके बाद आप जो है इसमें मैंने पालक ऐड की बाद में, मतलब पहले आपने मेथी ऐड करनी है फिर आपने पालक ऐड करनी है, ठीक है, क्योंकि मेथी हमारी कच्ची और पालक हमारी बॉयल है। अब हम जो है पालक हमने ले लिया, पालक देखिए इतनी सी बची है, और मैंने इसमें एक जो है ना, सॉरी 1/2 कप से भी कम, यानी कि 1 स्पून जो दूध का होता है ना वो मैंने ऐड किया, क्योंकि पालक में थोड़ा सा ना खुरदरा सापन होता है, मतलब दांतों में अजीब सा ना कुछ होता है, तो ये उसका खुरदरापन ख़त्म करने के लिए, जो रूखापन होता है वो ख़त्म करने के लिए हम दूध इसमें ऐड करते हैं। तो आपने दूध के साथ पालक को ब्लेंड कर देना है, क्योंकि पालक मैंने थोड़ी मोटी मोटी कट की थी, तो ब्लेंड करने से ये होता है कि ज़रा प्रॉपर अच्छी सी हो जाती है। तो मैंने 1 चम्मच जो दूध वाला होता है वो ऐड किया था। ठीक है, और अब हमने इसको अच्छे से पालक और मेथी को भूनना है, और फिर बस एंड, जब एंड में हमारा काम होने वाला होगा तो ये 3-4 मैंने गोल वाली लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। आप इनिशियली भी ऐड कर सकते हैं जब मैंने ज़ीरा, और ये आप लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। फिर हमने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह मोटा कट किया है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे नहीं किए, मुनासिब साइज़ रखा है। मुझे आलू कम लग रहे थे और पालक मेथी ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने एक और आलू ऐड कर दिया। मैंने आपको 3 दिखाए थे, तो समझे मैंने टोटल 4 मीडियम साइज़ के आलू इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, और आपने इसको अच्छे से, आप कोई पानी ऐड नहीं कीजिएगा क्योंकि इसमें आराम से कर देता है, अगर आपको लगे भी तो 1 बस घूंट आपने डालना है, और बस ये हमारा एंड जब प्रोसेस होने लगेगा तो हमने गरम मसाला और कसूरी मेथी डाल दी, जो कि दोनों 1 टीस्पून है। ठीक है जी, फिर आपने इसको अच्छे से भूनना है, और आपने इसको ढक देना है
पाँच से दस, 10 से 15 मिनट में हार्डली आपके आलू गल जाएंगे। और उसके बाद आपका जो फाइनल लुक आएगा वो ये आएगा। ये आप देख सकते हैं आपके पालक मेथी आलू तैयार हैं। आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।